हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज का था, यानी कि जब डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। हमने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इंट्रीज को देखा कि कैसे सेल को रिकॉर्ड करते हैं, कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, और परचेज से लेके सेल वगैरह सारी चीज़ें जो दी हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, अगर कंडीशन दे रखा है कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, तो उसमें हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या एंट्रीज उसमें पास होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम परचेज, तो हमें पता है कि जैसे कोई भी एसेट अगर हमने परचेज किया तो क्या करना है, एसेट अकाउंट के डेबिट में, जैसे मान लीजिए कि 2018 अप्रैल 1 को कोई एसेट परचेज किया, तो एसेट जब परचेज करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश दिया है, चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट, और अगर किसी पार्टी से खरीदा है तो वो पार्टी अकाउंट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट लिख दिया। फिर इसके बाद हमें पता है कि ईयर के एंड में हम उस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो मान लीजिए कि जो एसेट हमने खरीदा वो कितने का है, 1 लाख रुपीज़ का है, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ये अभी हमारा चल रहा है। तो जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना होगा तो हम कभी भी डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन होता है जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ईयर स्टार्ट हुआ 2018 अप्रैल 1 को, तो एंड कब होगा, 2019 मार्च 31 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में 2019 मार्च 31 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और क्यों क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि जब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा तो डेप्रिसिएशन होता है हमारा लॉस, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो क्रेडिट कर नहीं सकते क्योंकि एसेट को हम डायरेक्टली डिक्रीज नहीं करेंगे, उसके लिए अलग अकाउंट ओपन किया है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया, तो क्या होता है कि जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है क्रेडिट, तो हमने कर दिया क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे क्या करेंगे आगे हम यहाँ पे, तो 2019 मार्च 31 को भाई यहाँ पे सिर्फ हमें बैलेंस कर देना है, बैलेंस कैरी डाउन, एसेट अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालना है डेप्रिसिएशन का। अब मान लीजिए सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, तो जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो सेकेंड ईयर कब, 2019 अप्रैल 1 को स्टार्ट होगा, तो टू बैंक अकाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज है। अब सेकेंड ईयर में हमने क्या किया कि अक्टूबर 1 को सेल कर दिया, इसे क्या किया, सेल कर दिया। तो 2019 अक्टूबर 1 को हमने जब सेल किया तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भाई पहले इसको भी क्लोज कर ले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो यहां पे 2019 मार्च 31 को इसको क्लोज कर लिया, तो टू बैलेंस कैरी डाउन यहां पे कितना आया, 10,000 रुपीज आया। इसको ब्रॉड डाउन कर लो 2019 अप्रैल 1 को, तो बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है इसमें, 10,000 रुपीज है। तो अब जब हम इसको अक्टूबर 1 को सेल कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अप टू द डेट ऑफ सेल, यानी कि ईयर के बिगिनिंग से लेकर के डेट ऑफ सेल तक हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, तो अक्टूबर में सेल किया, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 लाख रुपीज का एसेट, 10% हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगा, और अक्टूबर में हमने सेल किया तो अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक तो यूज ही किया 6 मंथ, 6/12 ये हो जाएगा 5,000, और एंट्री उसके लिए क्या पास होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे फॉर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द डेट ऑफ सेल। तो यहाँ पे
क्रेडिट हमने किया किसको, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट को, तो अक्टूबर 1st को यहाँ पे बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट आ जाएगा। कितना लगा? 5,000 रुपीज। फिर हमें क्या करना होता है, अगला स्टेप, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन रिलेटिंग टू द एसेट सोल्ड इज ट्रांसफर्ड टू एसेट अकाउंट, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन यानी जितना भी हमने अभी तक प्रोविजन किया होगा, जो एसेट हम सेल कर रहे हैं वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन से पैसा हम ट्रांसफर करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डिक्रीज होगा तो डेबिट हो गया, क्योंकि प्रोविजन क्या होता है, एक तरीके की लाइबिलिटी होती है कि प्रोविजन हमने चार्ज किया डेप्रिशिएशन के लिए, तो डिक्रीज हुआ डेबिट। अब ये जाएगा जब एसेट में, तो ये एसेट की वैल्यू से डिडक्ट होगा क्योंकि है तो डेप्रिशिएशन, तो एसेट की वैल्यू भी कम होगी, तो एसेट डिक्रीज हुआ तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब अगर हमें लिखना होगा अकाउंट में एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट में, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो 2019 अक्टूबर 1st को इसके डेबिट में लिखेंगे 2। और क्या लिखेंगे, एसेट नेम ऑफ अदर अकाउंट होता है, जब भी कोई अकाउंट ओपन करें, एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, कोई भी अकाउंट ओपन करें, जैसे लेजर में होता है, तो नेम क्या होता है, अदर अकाउंट, क्योंकि ट्रांसफर कहां करें, एसेट्स में, तो यहां पे आ जाएगा एसेट्स अकाउंट। और यहां पे जो इसने कहा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, मतलब अब तक जितना डेप्रिशिएशन लगा है, यानी जिस दिन खरीदा था उस दिन से लेकर के डेट ऑफ सेल तक, तो खरीदा था हमने अप्रैल 1st को, तो अप्रैल 1st से 31 मार्च 19 एक साल हो गया, एक साल का डेप्रिशिएशन कितना था, 10,000। दूसरा ईयर अप्रैल 19 में स्टार्ट हुआ और 1st अक्टूबर 19 को सेल कर दिया, तो बिगिनिंग टू द डेट ऑफ सेल हमने कितना डेप्रिशिएशन लगाया, 6 मंथ का 5,000, यानी टोटल डेप्रिशिएशन कितना हो गया, 10,000 प्लस 5,000, पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कर देना है किसमें, एसेट्स अकाउंट में, कहां से, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट से। तो अब जब पूरा पैसा ट्रांसफर हो गया एसेट में, तो ट्रांसफर में करने के बाद लिखा भी तो जाएगा एसेट्स में, तो एसेट्स क्या हुआ है, इससे क्रेडिट हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट से, तो यहां पे इसके क्रेडिट में लिख देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट कितना, 15,000 रुपीज। मान लीजिए कि इसको हमने सेल किया है 70,000 रुपीज में, तो अगर 70 में सेल किया तो एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स इज पास्ड, क्या एंट्री होती है, कैश और बैंक और पार्टी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी एसेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे किससे, कैश और बैंक और पार्टी से, कैश में खरीदा तो कैश, चेक से पेमेंट किया तो बैंक, और अगर किसी पार्टी से खरीदा है तो उस पार्टी का, पार्टी को सेल किया है तो उस पार्टी का अकाउंट, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई, मान लो चेक से ही पेमेंट मिला है तो बाई बैंक अकाउंट, कितने में सेल किया, 70,000 में, वो भी हो गया। अब इसके बाद गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें ये निकालना है, तो ध्यान रखिएगा कि बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल अगर ज़्यादा है और सेल्स वैल्यू कम है तो लॉस होगा, और अगर हमारी बुक सेल वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल ज़्यादा है और बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कम है तो हमारा होगा गेन। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एसेट हमारे पास था कितने का, 1,00,000 रुपीज का, अभी तक टोटल डेप्रिशिएशन कितना लगा है, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन जब आपने ट्रांसफर किया था एसेट अकाउंट में तो लिखा है 15,000, तो एसेट की वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल यानी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितना आया, 85,000। अब ये ज़्यादा है क्योंकि सेल्स वैल्यू कितनी है हमारी, 70,000, ये कौन सी वैल्यू, सेल्स वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू जब ज़्यादा होगा किसे, सेल्स वैल्यू से, तो क्या होगा, लॉस होगा, तो कितना लॉस आ रहा है, डिफरेंस निकाल लो 15,000। तो अगर गेन होता है तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, तो यहाँ पे लिख देते टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर गेन होता तो, लेकिन अगर लॉस है, इफ लॉस इज इंकर्ड ऑन सेल, अगर लॉस होता है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू एसेट अकाउंट हो जाएगा। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ लॉस के लिए, लॉस हमें पता है कितना रहा है, 15,000, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई लॉस
ऑन सेल ऑफ एसेट, कितने का लॉस हो रहा है 15,000 का, क्लोज कर दीजिए, तो और कोई एसेट्स था नहीं, एक ही था, बेच दिया, तो ये पूरा 1 लाख रुपीज हो गया। हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस कर लेंगे टोटल करके, तो क्रेडिट का 15, डेबिट का भी 15। अगर मान लो कोई और भी एसेट्स होता और बचा होता वो, ठीक है, हमने एक बेच दिया, मान लो एक और होता, तो अभी भी हम क्या करते, यहाँ पे बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखते और यहाँ पे ईयर के एंड यानी 2020 मार्च 31 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखते, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करते किस एसेट्स पे जो रिमेनिंग बचा होता। तो ये सेल के लिए था कि सेल की एंट्री क्या होती है, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, बाकी परचेज करने पे और उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, डेप्रिसिएशन के बारे में हम आपको समझा चुके हैं पहले भी, अब भी समझा दिया कि कैसे उसको लिखना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एक क्वेश्चन सिंपल सा होगा जिसमें कुछ एसेट्स होगा उसमें से कुछ हम सेल कर देंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कुछ एसेट्स है उसमें से कुछ एसेट बेच दिया और एक नया भी परचेज कर लिया। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है फॉलोइंग बैलेंसेज अपेयर इन द बुक्स ऑफ रमा ब्रदर्स 1 अप्रैल 2015, मशीनरी अकाउंट ₹80,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹36,000। On 1st April 2015, they decided to sell a machine for ₹8,700. This machine was purchased for ₹16,000 in April 2011. Prepare the provision for depreciation account and machinery account on 31st March 2016, assuming the firm has been charging depreciation at 10% per annum on straight line method. स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% पर एनम की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और हमें दो चीज़ें दी हैं, एक तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है। तो मशीनरी एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो 2015 अप्रैल फर्स्ट को हमारे पास बैलेंस है मशीनरी में, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है ₹80,000, कितना 80,000। फिर इसके बाद इसने कहा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में और प्रोविजन लगा है, तो सीधी सी बात है कि वो क्रेडिट बैलेंस होगा 2015 अप्रैल फर्स्ट, कितना बैलेंस बताया है 36,000 रुपीज, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 रुपीज। फिर इसके बाद इसने कहा कि 1st अप्रैल 2015 को एक मशीनरी सेल कर दी है 8,700 में, तो जब सेल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि अगर कोई डेप्रिसिएशन लगा है अप टू द डेट ऑफ सेल, तो उसे हम लिखेंगे कहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। उसके लिए एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे सेल कब किया, 1st अप्रैल 2015 को सेल कर दिया और ईयर भी इसी दिन स्टार्ट हुआ है, और डेप्रिसिएशन कर कैसे लगाएंगे भाई, अगर यूज़ किया होगा तो लगाएंगे, नहीं यूज़ किया तो नहीं लगाएंगे। तो जब पहले ही दिन बेच दिया तो हमने यूज़ तो किया नहीं, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगर डेप्रिसिएशन लगता तो पहले ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता, यानी कि यहाँ पे हम लिखते बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट जो भी अमाउंट आता लिखते। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो रिलेटेड एसेट का होगा उसे हम ट्रांसफर करेंगे एसेट अकाउंट में, और उसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हम टोटल उस एसेट का डेप्रिसिएशन जो होगा खरीदने से लेकर के बेचने तक उसे ट्रांसफर कर देंगे एसेट अकाउंट में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट होगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होगा, डिक्रीज, डेबिट हो जाएगा। तो 2015 अप्रैल फर्स्ट को 2 कहाँ ट्रांसफर करना है, एसेट अकाउंट में, तो 2 एसेट अकाउंट, लेकिन एसेट ना लिख के, क्योंकि हमें पता है कि यह है मशीनरी है, तो 2 मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। इसमें क्या लिखते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ
सोल्ड एसेट, जो एसेट बेच रहे बेचा है हमने उसका टोटल डेप्रिसिएशन, और साथ में जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हमने ट्रांसफर किया तो कहाँ पे किया, एसेट में, और एसेट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे अप्रैल 1 को भाई कहाँ से ट्रांसफर होके आया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो जो मशीनरी हम 8,700 रुपीज में सेल कर रहे हैं, इस मशीनरी को हमने परचेज किया था अप्रैल 2011 में, और कितने का परचेज किया था, 16,000 रुपीज का। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमको कितना दे रखा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। अब देखो हमने कितना यूज किया, अप्रैल 11 से मार्च 2012, फिर 2012 से 2013, 2013 से 2014, 2014 से 2015, और 2015 जैसे ही अप्रैल, ये सारा अप्रैल है, अप्रैल अप्रैल अप्रैल, और ये क्या है मार्च, तो जैसे ही मार्च 15 एंड हुआ और अप्रैल 1 15 आया हमने बेच दिया, तो अभी तक कितने ईयर हमने यूज किया भाई, अप्रैल 11 में खरीदा तो अप्रैल 11 12 1 ईयर, 12 13 2 ईयर, 13 14 3 ईयर, और 14 15 4 ईयर, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। हमने पहले ही साल पूरा यूज किया तो 16,000 का 10% कितना हुआ, 1,600। दूसरे साल भी हमने पूरा यूज किया ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा 16,000 का 10% 1,600। तीसरे साल भी पूरा यूज किया 16,000 का 10% 1,600। चौथे साल भी पूरा यूज किया 16,000 का 10% 1,600। अब इसको प्लस कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6,400। यानी कि टोटल अब तक डेप्रिसिएशन इस पे कितना लगा था, जो मशीनरी हमने अप्रैल 11 में खरीदी थी जिसको अब हम अप्रैल 15 में बेच रहे हैं, अप्रैल 11 से लेकर के मार्च 15 तक उस पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 6,400 रुपीज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इतना पैसा हमें ट्रांसफर कर देना है कहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीनरी अकाउंट में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर हुआ डेबिट, मशीनरी में ट्रांसफर किया गया, मशीनरी अकाउंट में पैसा आया, क्रेडिट होगा क्योंकि ये डेप्रिसिएशन का ही पैसा है जो डिक्रीज करेगा, तो क्रेडिट किया, यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगना था। फिर इसके बाद क्या होता है, किसकी एंट्री, सेल की। तो जब सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है भाई, सेल करोगे तो पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट और पार्टी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट जाएगा व्हाट गोज आउट क्रेडिट, या एसेट देख लो बेचोगे तो डिक्रीज होगा क्रेडिट, पैसा आएगा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो कहां पे लिखा जाना है इसको, सेल को, क्रेडिट साइड में एसेट अकाउंट के। तो अप्रैल 1 बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पता नहीं कि कैश में बेचा कि चेक से पेमेंट मिला है या हमने किसी को क्रेडिट पे दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब हमको पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया, 8,700 रुपीज में। इसके बाद हम गेन या लॉस निकालते हैं, तो गेन या लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। तो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू जो थी जिस प्राइस पे हमने इसको खरीदा था 16,000 रुपीज में, माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक कितना लगा, 6,400, यानी कि ये कितने में सेल किया, क्या बुक वैल्यू है, 9,600 रुपीज बुक वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ सेल। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना हमारा लॉस हुआ भाई, बुक वैल्यू तो है 9,600 और सेल किया हमने 8,700 में, तो यहाँ पे हमारा कितना नुकसान हो रहा है भाई, बुक वैल्यू तो ज़्यादा है, पैसा हमको कम मिला, तो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, 900 रुपीज का क्या रहा है, लॉस। और अगर लॉस है तो एंट्री क्या होती है हमारी, लॉस की कंडीशन में लॉस तो डेबिट होता है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट हुआ क्रेडिट, तो इसके लिखेंगे क्रेडिट साइड में अप्रैल 1 को, और क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और ये जो लॉस होता है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, सेल ऑफ एसेट, एसेट क्या, सेल ऑफ मशीनरी है,
तो पूरा लिखे या लॉस ऑन सेल लिख दे तो भी आ जाएगा 900 रुपीज का हुआ लॉस। ये तो काम खत्म हो गया इतना। अब यहां पे देखिए हमें क्या दिया है कि 2016 मार्च 31st, आगे कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, सिर्फ एक साल के लिए हमें अकाउंट प्रिपेयर करना था। अब यहां पे देखिए कि 80,000 रुपीज की मशीनरी हमारे पास थी, जिसमें से जो मशीनरी हमने सेल की उसकी बुक वैल्यू कितनी है 16,000 रुपीज। तो अब हमारे पास बचा कितना, 64,000 रुपीज की मशीनरी बची हुई है। तो उसे हमें यहाँ पे शो करना होगा कि कितना हमारे पास बचा ईयर के एंड में। तो 2016 मार्च 31st को बैलेंस कैरी डाउन कितना हमारे पास होगा, बैलेंस कैरी डाउन होगा 64,000 रुपीज। या आप लेजर की तरह चाहें डायरेक्ट कर लें तो 80,000 डेबिट साइड में दिया है और क्रेडिट साइड का टोटल 16,000 है, तो कितना बचा, 64,000 रुपीज बचा। जो बचा है उसका डेप्रिसिएशन हम यहां पे एसेट अकाउंट में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो अब देखिए इसका टोटल कितना है, 80,000 रुपीज। अब जो बचा है उस पे भी तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, और कब लगेगा, ईयर के एंड में लगेगा। अगर ईयर के बिगिनिंग में 80,000 का था, अप्रैल 1st को 16,000 की जो मशीनरी थी बेच दी, तो बाकी मशीनरी को तो हम पूरा साल यूज कर रहे हैं, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एंट्री क्या होती है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना होता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना क्या है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 2016 मार्च 31st, मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितना लगेगा भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 64,000 का 10% 6,400 रुपीज, 6,400। और इसके बाद हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल करके इसका भी हम बैलेंस फाइंड करेंगे। तो क्रेडिट का टोटल है 42,400, डेबिट का टोटल है 6,400, तो यहाँ पे बचा कितना हमारे पास, 36,000। 2016 मार्च 31st को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस कितना है हमारे पास, 36,000 रुपीज, और एसेट हमारे पास बैलेंस है 64,000 रुपीज। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसमें सिर्फ ये बैलेंस दे के सेल नहीं किया होगा, कुछ नया खरीदा भी होगा सेल के साथ साथ। तो अब वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1st अप्रैल 2017, मशीनरी अकाउंट ₹5 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹2,25,000। द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है। द अकाउंटिंग ईयर बीइंग अप्रैल टू मार्च, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है, यानी 1st अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31st मार्च को एंड हो जाएगा। ऑन 1st अक्टूबर 2017 अ मशीनरी विच वॉज परचेज ऑन 1st जुलाई 2014 फॉर ₹1 लाख was sold for ₹42,000 plus CGST and SGST at 6% each। और हमने आपको बताया था कि अगर CGST SGST है तो एसेट अकाउंट में उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि एसेट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो एसेट का कॉस्ट लिखते हैं और GST उसका कॉस्ट नहीं होता है। एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर ₹2 लाख पेइंग IGST एट 12%। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018, सिर्फ एक साल के लिए, 17 को स्टार्ट हुआ अप्रैल में और 18 मार्च 31st को एंड हुआ, सिर्फ एक साल के लिए हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों में बैलेंस दे रखा है। मशीनरी एसेट्स है तो एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट 2017 अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपीज दे रखा है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रोविजन होता है क्रेडिट बैलेंस 2017 अप्रैल 1st बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000 रुपीज गिवन है।
अब इसके बाद हमने सेल कब किया मशीनरी को, 1 अक्टूबर 2017 को। तो जिस दिन हम सेल करते हैं उस दिन सबसे पहला काम होता है कि डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करें फ्रॉम द बिगनिंग टू द डेट ऑफ सेल। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो हमने परचेज कब किया इसको, 1 जुलाई 2014 को। फिर हमने इसको यूज कब तक किया, 31 मार्च 2015 तक। फिर दूसरा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2015 को, और इसको भी हमने यूज किया मार्च 2016 तक। फिर इसके बाद ईयर, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2016 को, एंड हुआ 31 मार्च 2017 में। फिर इसके बाद चौथा साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017 को, और इसको हमने 1 अक्टूबर 2017 में क्या किया, सेल कर दिया। 1 अक्टूबर 2017 को क्या किया, सेल किया। तो पहला काम क्या है कि ईयर के बिगिनिंग से लेकर के अप टू द डेट ऑफ सेल हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करें। तो डेप्रिशिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द डेट ऑफ सेल कितने मंथ हमने यहाँ पे यूज किया है, 6 मंथ। जो मशीनरी सेल किया उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 1 लाख रुपीस, और इस पर कितना परसेंट डेप्रिशिएशन लगाना है हमें, 10% पर एनम की रेट से डेप्रिशिएशन लगाना है। तो 10% यूज किया 6 मंथ, तो 6 मंथ का डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, सिर्फ 5000 रुपीज। तो जब हमें सेल करना होता है तो सबसे पहला काम यही है कि हम फाइंड करें कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द डेट ऑफ सेल कितने मंथ यूज किया और उसका कितना डेप्रिशिएशन हुआ, और उसे रिकॉर्ड करें। और रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या होती है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, यानी कि जो डेप्रिशिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट कर दीजिए बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, कितना आया है, 5000 रुपीज। फिर इसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन है रिलेटेड एसेट्स का, उसे हम ट्रांसफर कर दें एसेट अकाउंट में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन ऑफ रिलेटेड एसेट का मतलब क्या कि जो बेच रहे हैं उसका डेप्रिशिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल। तो परचेज हमने किया 1 जुलाई 2014 को, तो 1 लाख रुपीज का खरीदा था, 10% डेप्रिशिएशन लगाना है, यूज हमने मार्च 15 तक किया, तो कितना मंथ हुआ, 9 मंथ। तो 9 बाई 12 कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, ये हो गया 2500। और 2500 इंटू 3 यानी पहले साल लगा 7500 डेप्रिशिएशन। दूसरे साल देखिए हमने पूरा यूज किया अप्रैल से मार्च तक, तो 1 लाख रुपीज का पूरा डेप्रिशिएशन 10% लगेगा, कितना, 10,000। तीसरे साल भी अप्रैल 16 से मार्च 17 तक पूरा यूज किया, तो ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज और टोटल डेप्रिशिएशन कितना फॉर थर्ड ईयर का हो जाएगा, 10,000 रुपीज। और अगर हम टोटल करें फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करते हैं तो ये आएगा 32,500 रुपीज टोटल डेप्रिशिएशन। इसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में। तो प्रोविजन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे तो डिक्रीज होगा डेबिट में 2017 अक्टूबर 1 टू, कहाँ पे ट्रांसफर करना है, एसेट अकाउंट। एसेट कौन सा है, मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी में 32,500 ट्रांसफर होगा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट से ट्रांसफर किया तो मशीनरी में आएगा भी, और कहाँ आएगा, क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि डेप्रिशिएशन तो डिक्रीज करता है एसेट्स को, तो क्रेडिट में आएगा, प्रोविजन भी डिक्रीज करेगा। 17 अक्टूबर 1 बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट कितना, 32,500 रुपीज। फिर इसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं सेल को, तो सेल को रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और पार्टी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी एसेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे सेल वैल्यू से। तो बाई बैंक अकाउंट इसको हमने सेल किया है 42,000 रुपीज में। अब देखिए हमें क्या निकालना है,
कि गेन हुआ या लॉस हुआ तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो देखो हमने इसको खरीदा कितने में था, 1 लाख रुपीज में, माइनस क्या करना है हमें, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल अगर निकालना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो जितने में हमने उसको खरीदा था उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल माइनस कर दें तो टोटल डेप्रिसिएशन आया था 32,500 रुपीज़। तो 32,500 रुपीज़ अगर माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 9-2 7 9-3 6 67,500 रुपीज़। और सेल कितने में किया, 42 में, तो देखिए बुक वैल्यू ज़्यादा है और जब बुक वैल्यू ज़्यादा होती है तो होता है लॉस, तो कितना लॉस हो जाएगा, 67,500 - 42,000 रुपीज़, तो ये यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास, 25,500 रुपीज़ का यानी कि लॉस आ रहा है। और लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, क्रेडिट में। लॉस की एंट्री क्या होती है, लॉस तो डेबिट होता है, यानी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, एसेट है तो एसेट अकाउंट, यानी इसके क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो अक्टूबर 1 को क्रेडिट साइड में बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना हो गया, 25,500 रुपीज़। और एक इंफॉर्मेशन हमें और दिया है कि ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर ₹2 लाख, यानी 1 अक्टूबर 2017 को जिस दिन हमने सेल किया उसी दिन एक और खरीद लिया 2 लाख रुपीज़ का। तो परचेज करेंगे तो डेबिट साइड में आएगा क्योंकि एसेट इंक्रीज होगा, तो टू बैंक अकाउंट, कितने में परचेज किया हमने, 2 लाख रुपीज़ में परचेज किया। अब इसमें और कोई काम नहीं बचा क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एसेट में लिखा ही नहीं जाता, बैलेंस कर देंगे 7 लाख रुपीज़ और 7 लाख रुपीज़। अगर आपको कंफ्यूजन कम चाहिए और कैलकुलेशन में भी आसानी हो तो 2018 मार्च 31 को जब हम बैलेंस लिखेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा, देखो पहले कितने का था, 5 लाख का था, 1 लाख का इसमें से सेल किया तो कितना बचा, 4 लाख रुपीज़, प्लस नया कितना खरीदा, 2 लाख रुपीज़ का, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 6 लाख रुपीज़ का बैलेंस बचा है। आप चाहते तो डायरेक्ट 6 लाख माइनस करके लिख सकते थे, लेकिन फिर जब आप ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, इसलिए अलग अलग लिख लिया कि 5 का पहले था हमारे पास जिसमें से 1 लाख का बेच दिया तो बचा कितने का, 4 लाख का, और 2 लाख नया खरीदा तो 6 लाख रुपीज़ टोटल आ गया। अब हमारे पास काम क्या बचा भाई, सेल्स से रिलेटेड तो सारा काम हमने खत्म कर लिया, अब क्या करना है, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगा के क्लोज कर देना है सारे अकाउंट को। तो एसेट अकाउंट तो क्लोज हो गया क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लिखना था, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बचा है, तो 2018 मार्च 31 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट किया हमने, किससे क्रेडिट हुआ है, डेप्रिसिएशन से, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा भाई, हमने जो पहले से हमारे पास जो था 5 लाख का वो बचा है 4 लाख, लेकिन बचा तो शुरुआत से है, पूरे साल का लगेगा और 10% रेट है तो पूरा 10% लग जाएगा 40,000, प्लस जो 2 लाख रुपीज़ का हमने खरीदा है नया उसका 10%, और वो भी अक्टूबर में खरीदा और मार्च में डेप्रिसिएशन लगा रहे तो कितने मंथ यूज़ किया हमने, 6 मंथ, तो 6/12 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 6 × 2 = 12, 2 × 2 = 2, 10,000 रुपीज़, यानी इसका डेप्रिसिएशन कितना आया, 10,000 रुपीज़ आया, यानी टोटल डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हुआ, 50,000 रुपीज़। बस इसका काम हुआ ख़त्म। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा, 2,80,000, यहाँ पे भी लिखिए 2,80,000, डेबिट साइड में है 32,500, तो 2,80,000 में से 32,500 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हमारे पास बचेगा, 4 और 2, 2,47,500 यहाँ पे बैलेंस बचा किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस किस डेट में, 2018 मार्च 31 को टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड से व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन का क्वेश्चन।
अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, यानी जिसमें डेप्रिसिएशन को हमें एसेट अकाउंट में चार्ज करना होगा, एसेट अकाउंट में क्रेडिट करना होगा।